रानी स्वयं स्वर्णलोकों से बाहर जाती हैं और अब उनकी दिव्य सवारी एक अलौकिक सवारी चिता थी। रानी बहादुरी से लड़ते लड़ते भी व्यक्ति को प्राप्त होती है, वो स्वर्गवासी हो जाती हैं और फिर उनका जो पार्थिव शरीर होता है उसको चिता पर मिटा दिया जाता है। और ऐसा लग रहा था जैसे रानी की कोई अलौकिक सवारी हो वो चिता। मिलाप तेज तेज रानी तेज होता है, तेज प्रतीक होता है शक्ति का। और दूसरा आया है तेज, मिलाप तेजी से तेज, तो तेज से तेज क्या मिल जाता है? लक्ष्मी बाई किसे मिल जाती है? परमात्मा उनकी उम्र सिर्फ इस समय 23 साल की थी। 23 साल में ही वो
गुलामी सहन नहीं करनी चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए अत्याचार का। जो भी सीख सिखानी थी रानी लक्ष्मीबाई हम सबको सीख सिखा गई। ये सब हमने बुंदेलखंड के लोगों के मुख से सुना है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मर्दों से युद्ध के मैदान में खूब लड़ी थी। आगे देखिए, जाओ रानी याद रखेंगे ये कटक भारतवासी, यह तेरा बलिदान जावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। हो बे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मत माती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमित निशानी थी, बुंदे लेकर गोलों के हूँ हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह झांसी वाली रानी थी। इसमें ये बताया है, ये रानी जाओ तुम स्वर्गवासी हो गई, तुम स्वर्ग के लिए जाओ, हम सभी भारतवासी कृतज्ञ हैं। कृतज्ञ होता है किए हुए का एहसान मानने वाला, हम सब भारतवासी कृतज्ञ हैं तुम्हारे ऐसा होके, तुम्हारे काम के हम एहसानमंद हैं, तुम्हें हमें आज़ादी दिलाई इसके हम एहसानमंद हैं। तेरा बलिदान कभी भी खाली नहीं जाएगा, तेरा जो बलिदान है वो कभी भी खाली नहीं जाएगा। अर्थात रानी लक्ष्मीबाई ने हमें आज़ादी दिलाने के लिए स्वतंत्रता संग्राम स्टार्ट किया था, तो अब हमारा भारत कैसा है, स्वतंत्र है। और अविनाशी का मतलब होता है जिसका कोई विनाश ना करे। हे रानी लक्ष्मीबाई, तेरा बलिदान खाली नहीं जाएगा, ये भारत हमेशा ही स्वतंत्र रहेगा, किसी का भी गुलाम नहीं होगा। चाहे इतिहास चुप हो जाए, चाहे इतिहास के पन्नों में तेरा नाम ना रहे, चाहे सच्चाई को फांसी लग जाए, चाहे कोई भी लोग इस सच्चाई को ना माने कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से लड़ाई की थी, चाहे इस बात को कोई भी नहीं माने, चाहे हम विजयी होकर पदमादी का मतलब होता है, चाहे हम भारतीय आज हम स्वतंत्र हैं और इस स्वतंत्रता के घमंड में हम ये भूल जाएं कि हमें आज़ादी दिलाने के लिए बहुत सारे क्रांतिकारी शहीद हुए थे, चाहे इस आज़ादी के घमंड में हम सभी स्वतंत्र क्रांतिकारियों को भूल जाएं, चाहे झांसी को गोले और बारूदों से झांसी के निशान को मिटा दिया जाए, क्योंकि झांसी से ही तुम्हारी पहचान थी, चाहे झांसी को गोले बारूदों से उड़ा दिया जाए फिर भी तेरी पहचान तो वही थी, तेरा स्मारक तेरा स्मृति चिन्ह तो वही थी लक्ष्मीबाई। तो खुद अपनी एमिट का मतलब है नेट मिटने वाली निशानी, ये हमने बुंदेलखंड के लोगों के मुँह से खूब सुना है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से युद्ध के मैदान में खूब लड़ी थी। दोबारा से देखिए, हे रानी तुम जाओ, तुम स्वर्गवासी हो गई, तुम स्वर्ग के लिए जाओ, हम भारतवासी हमेशा तुम्हारे एहसान मंद रहेंगे। हे रानी चाहे हाँ तेरा जो बलिदान था, तुमने जो बलिदान दिया हमारे देश की रक्षा के लिए, स्वतंत्रता के लिए, वो कभी भी खाली नहीं जाएगा, अर्थात अब कभी भी भारत किसी का भी गुलाम नहीं होगा। चाहे इतिहास के पन्नों से तेरे नाम को मिटा दिया जाए, चाहे सच्चाई को फांसी लगा दी जाए, चाहे लोग इस स्वतंत्रता के विषय में, इस स्वतंत्र भारत की स्वतंत्रता की वजह से इतने भी घमंडी क्यों ना हो जाए, चाहे झांसी को गोले और बारूदों से उड़ा दिया जाए फिर भी हे रानी तेरी पहचान, तेरा इस स्मृति स्मारक चिन्ह तेरी पहचान तू खुद है, न मिटने वाली पहचान तू खुद है रानी। ये हमने बुंदेलखंड के लोगों के मुँह से खूब सुना है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध के मैदान में अंग्रेजों से खूब लड़ी थी। चैप्टर खत्म हो गया। इस सभी की आप से प्रसंग व्याख्याएं करें, संदर्भ प्रश्न व्याख्या और विशेष में 2 पॉइंट को लिखने ही लिखे हैं, ये सभी करके लाएँ और इसके क्वेश्चन आंसर हैं। तो देखिए
लक्ष्मीबाई नाना साहब की भोली बहन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मीबाई की सहेलियां कौन थी? लक्ष्मीबाई की सहेलियां बंसी ढाल कृपाण कटारी आदि थी। रानी लक्ष्मीबाई बचपन में क्या खेलती थी? रानी लक्ष्मीबाई बचपन में नकली युग की रचना करना, दुर्ग घेरना, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, व्यू रचना करना आदि सब उसके बचपन के खेल थे। झांसी के राजा के मरने पर कौन हर्षाया? हर्षाने का मतलब होता है खुश होना। जब झांसी के राजा लोकाधरा की मृत्यु हो जाती है तो कौन खुश हुआ? इसमें आएगा झांसी के राजा की मृत्यु मरने पर अंग्रेजी अधिकारी दल फौजी खुश हुआ था, हर्षाया। देश में व्यापारी बनकर कौन आए? देश में व्यापारी बनकर अंग्रेज आए। रानियां और बेगम क्यों रोती थी? रानियां और बेगम अंग्रेजों के अत्याचार से दुखी होकर रोती थी। रानी लक्ष्मीबाई की आराध्य देवी कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई की आराध्य देवी माँ दुर्गा थी। लक्ष्मीबाई को किसी गाथाएं यानी कथाएं याद थी? रानी लक्ष्मीबाई को वीर शिवाजी की कथाएं या गाथाएं याद थी। राजमहल में काली घटाएं क्यों छा गई? राजमहल में काली घटाओं का मतलब होता है संकट के बादल क्यों छा गए? झांसी में संकट के बादल जब गंगाधर राय की मृत्यु हो जाती है तो झांसी में काले बादल छा जाते हैं। रानी के साथ किस व्यू ने युद्ध किया? रानी के साथ काना और मल्ला इन दोनों सतियों ने खूब युद्ध किया। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन की गतिविधियां बताइए। इसमें रानी लक्ष्मीबाई के बचपन के बारे में बताना है कि रानी लक्ष्मीबाई बचपन में नाना साहब के साथ ही वो पढ़ने जाती थी, नाना साहब के साथ ही खेलती थी और बचपन में इनके खिलौने बंसी ढाल कृपाण कटारी आदि ये खिलौने होते थे और खेल होते थे नकली दुर्ग की रक्षा करना, व्यू रचना करना, सैन्य घेरना आदि होते थे। इनके बारे में आपको लिखना है विस्तार से। कविता के माध्यम से अंग्रेजों की नीतियों तथा अत्याचार का वर्णन कीजिए। इसमें कविता के माध्यम से बताया है कि अंग्रेजों ने फूट डालो राजकरों की नीति को अपनाया था क्योंकि हमारा भारत 1857 में पहले छोटी छोटी सी रियासतों में बना हुआ था तो इन्होंने व्यापारी बनकर आए हमारे देश में फूट डालो राजकरों की नीति को अपनाया और जब वो इस काम में कामयाब हो जाते हैं तो हमारे भारतीयों के ऊपर अत्याचार करते हैं। हमारा ही देश, हमारा ही सब कुछ और हमारे ही ऊपर अधिकारी बनकर हुकूमत चलाते हैं, हमारे साथ नौकरों जैसा व्यवहार करते हैं। हमारे देश की जो महारानियाँ थीं वो अंग्रेजों की यहाँ नौकरानी दासी बन जाती हैं और अंग्रेजों की जो पत्नियाँ थीं वो हमारे यहाँ की रानियाँ बन जाती हैं तो हमारे देश की बहुत बुरी दशा हो जाती है। स्वतंत्रता की चिंगारी में कितने सपूतों ने लुटा लिया? स्वतंत्रता की चिंगारी में बहुत सारे जो क्रांतिकारी थे वो शहीद हुए थे, जिनमें नाना साहब, तात्या टोपे, चतुर अजीम मुल्ला, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, ये बहुत सारे सैनिक थे जो आज़ादी के लिए लड़े थे, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई थी और बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी थे जिनका नाम हमें याद भी नहीं है। उन्होंने भी इस देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत मेहनत की, बहुत त्याग किया, बहुत बलिदान किया था, तब जाकर हमें आज़ादी मिली। रानी लक्ष्मीबाई के युद्ध कौशल का वर्णन कीजिए। रानी लक्ष्मीबाई के युद्ध का कौशल, रानी लक्ष्मीबाई बहुत विनम्रता थी, बहादुर थी, साहसी थी। जब वो युद्ध कर रही थी तो उनसे जनरल वॉकर तक हार कर चला जाता है और वो घायल हो जाता है। उसको आश्चर्य होता है कि ये कैसी मर्दानगी, कैसी लेडीज है, कैसी औरत है जो मेरे जैसे सैनिक को हरा दिया। फिर दूसरी बार उनसे लड़ने के लिए जनरल स्मिथ आता है और पूरोज आता है। रानी को दोनों घेर लेते हैं। अगर नाला बीच में नहीं आता तो शायद रानी उनसे वीरगति को प्राप्त नहीं होती। बहुत बहादुर थी, बहुत चतुर थी। इसमें मिला तेज से तेज कवित्री ने
में ऐसा क्यों कहा है? कवित्री ने इसलिए कहा है क्योंकि ऐसा माना जाता है हमारे भारतीय जो ग्रंथ हैं उनमें ये बताया गया है कि मनुष्य की आत्मा जब मनुष्य मरता है तो मनुष्य की आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। जिस तरह मनुष्य पुराने कपड़े को छोड़कर नया वस्त्र धारण करता है उसी तरह हमारी आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में जाती है। और यहाँ पर ये बताया है रानी लक्ष्मीबाई सर्वशक्तिशाली थी, बहादुर थी, साहसी थी और उनकी आत्मा परमात्मा की आत्मा में जाकर लीन हो जाती है। आज फिर इतना ही, सारे क्वेश्चन आंसर करें और सारी व्याख्यान कॉपी में सेक्शन करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।